नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं, जो मैथ की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर अगर मैथ की रीड बोलें तो भी गलत नहीं होगा, और तकरीबन हर स्टूडेंट इस टॉपिक से, इस विषय से परिचित हैं, और जब भी वो मैथ बनाते हैं उनसे इस टॉपिक से उनका मुलाकात होते रहता है। लेकिन एक कमेंट था जिसमें पूछा गया था इस टॉपिक के बारे में कि सर इस टॉपिक पर जो की है आप वीडियो बनाइए, तो मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। और इस तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम देखेंगे, और उस टॉपिक का नाम है रूल ऑफ साइन, मैथ में चिन्हों का प्रयोग। दोस्तों, अगर इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है, और अगर इनके चिन्हों का प्रयोग करने के लिए नहीं जानते हैं तो आप मैथ में जीरो हैं। लेकिन दोस्तों डोंट वरी, अगर नहीं जानते हैं तो आज मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा जीरो से, कि जिसे मैथ कुछ भी नहीं आता है और साइन का कैसे प्रयोग करें, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके आते हैं मल्टीप्लीकेशन में, देखते हैं मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं दोस्तों, जब माइनस गुना माइनस हो तो क्या होगा, जब प्लस गुना प्लस हो तो क्या होगा, जब प्लस गुना माइनस हो तो क्या होगा, और जो जब माइनस गुना प्लस हो तो क्या होगा। दोस्तों, इस चीज को समझाने से पहले एक शब्द आपसे मैं बोलूंगा कि जो लोग इस के बारे में जानते हैं, इन साइन का प्रयोग करने के लिए अच्छी तरह जानते हैं, तो वो चाहे तो इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो सीखना चाहते हैं साइन को, या जो सीख चुके हैं लेकिन रिविजन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो देखिए, माइनस गुना माइनस, प्लस प्लस गुना प्लस, प्लस प्लस गुना माइनस माइनस, और माइनस गुना प्लस माइनस। तो ये चीजें है दोस्तों, अगर माइनस इंटू माइनस किया जाए तो प्लस होगा, प्लस इंटू प्लस किया जाए तो प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस किया जाए तो माइनस होगा, और माइनस इंटू प्लस किया जाए तो माइनस होगा। इसे याद रखने का एक ट्रिक है, और उस ट्रिक को मैं बताता हूं। जैसे माइनस और माइनस है तो मतलब एक जाति का है, प्लस और प्लस एक जाति का। जब एक जाति का हो, एक तरह का हो, तो वो प्लस होता है। माइनस माइनस एक जाति का, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, प्लस प्लस एक जाति का है तो ये भी प्लस हो गया। और जब दोनों आपस में अलग अलग जाति का हो, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो वहां पर माइनस का चिन्ह होगा। आप इन चारों को याद करने का बेहतरीन तरीका है कि आप ऊपर वाले दो को ही याद रखिए, दिमाग में आप दो शब्द याद रखिए, चारों चीजों को जो चार आप देख रहे हैं मैंने लिखा हूं, इसे आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं। इसको करना क्या है कि दो शब्द आपको याद रखना, ये दो एक छोटा सा वाक्य हम कह सकते हैं, कि जब एक जाति का हो, गुना में, भाग में और घटाव में हम देखेंगे बाद में, लेकिन सब में से जो है कि गुना वाला जो पोर्शन है बहुत महत्वपूर्ण है मैथ में, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको आपके सामने पेश किया। तो क्या है कि गुना में जब एक जाति का हो तो जोड़ेंगे, और अलग अलग जाति का हो तो घटाएंगे। ठीक है, बस हो गया याद। इसमें और क्या है, एक जाति यानी माइनस माइनस होगा तो जोड़ देंगे, और प्लस प्लस हो तो जोड़ देंगे। इसके अलावे अगर अलग अलग जाति का हो, प्लस हो माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो वो माइनस होगा, वहां पर हम घटा देंगे। बस मुझे याद हो गया, बस क्या करना है, दो शब्द याद रखना है। अब इस पे हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, ताकि जो कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बचा है, क्लियर नहीं हुआ है, वो आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले माइनस वाले को, फर्स्ट वाले को देखते हैं, तो माइनस थ्री, ठीक है, माइनस थ्री इंटू माइनस टू कर लेते हैं। तो दोस्तों, माइनस माइनस मैंने क्या बोला था, प्लस होता है, और थ्री इंटू टू क्या हो जाएगा, सिक्स। लेकिन एक चीज दोस्तों याद रखिए,
अगर ऐसे आप लिखते हैं भी तो बिल्कुल गलत नहीं है, प्लस सिक्स लिखते हैं तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, लेकिन आप सिक्स लिखिए, जहां भी कोई किसी भी संख्या के साथ अगर प्लस आता है तो उस प्लस जो वो प्लस होता है वो छुपा हुआ रहता है। कोई भी संख्या आप देखते हैं अगर उस संख्या में कहीं साइन नहीं लगा हुआ है, आगे पीछे कहीं भी देखिए, तो वहां पर प्लस उस साइन उस डिजिट के आगे प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस सिक्स जो हमारा आया इसे हम सिक्स लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा एक उदाहरण हम ले लेते हैं दोस्तों, प्लस थ्री ठीक है इंटू प्लस टू। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इसलिए दे रहे हैं कि जब दो साइन का लगातार यूज करना हो तो एक को हम ब्रैकेट में रखना ही पड़ता है हमें, इसलिए हम ब्रैकेट दे रहे हैं। बिना ब्रैकेट का भी कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जाम में बिना ब्रैकेट का ही कर लीजिएगा ताकि आपको ब्रैकेट देने में जो समय लग रहा है वो आपका बच जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। आप एग्जाम हॉल में ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करें, डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्लस प्लस मैंने क्या बोला था दोस्तों, प्लस होता है ठीक है, और प्लस का मैंने जैसा कि बोला प्लस छुपी हुई रहती है हर संख्या के साथ, तो बच गया क्या, थ्री इंटू टू सिक्स। नेक्स्ट तीसरे का हमने उदाहरण ले लेता हूं, प्लस थ्री इंटू माइनस टू इजकल टू माइनस, प्लस और माइनस मैंने बोला था, प्लस और माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस, तो यहां पर माइनस का साइन लगा देंगे और फिर थ्री इंटू टू इजकल टू सिक्स। चौथा उदाहरण जो है दोस्तों, माइनस थ्री इंटू प्लस टू ठीक है, तो माइनस और गुना प्लस, माइनस का साइन दे दिए और थ्री इंटू टू सिक्स। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, और इसे हम तकरीबन तीन या चार पार्ट में आपके समक्ष लाऊंगा ताकि वीडियो बड़ा नहीं हो सके और आप बोर ना हो सके, जिसके वजह से मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा और तीन वीडियो में या चार वीडियो में इस टॉपिक को जो आपका चिन्हों का नियम है रूल ऑफ साइन इसे मैं कवर करूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इस वीडियो में कमेंट करें कि किस क्या चीज किसी भी चीज से रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं, कि आवाज से रिलेटेड कर सकते हैं, या पीछे जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड अलग होना चाहिए, दूसरी कलर का होना चाहिए, इंक दूसरे कलर का होना चाहिए, कोई भी आप सजेशन यहाँ पे फीडबैक आप दे सकते हैं ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं, अगले वीडियो में उस चीज को मैं ला सकूं। और जो नए हैं उससे विनम्र विनती है कि आप नीचे सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब कर लें, और बेल आने पर उस बेल को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो भी वीडियो मैं डालूं वो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों दूसरी चीज है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है www.totalexam.in, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस वेबसाइट पे जाने से आपको बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे ठीक है, और मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक करें, जो लोग अभी तक फेसबुक पेज लाइक नहीं किए हैं। और तो मैं बाकी सभी से विनम्र विनती करता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो अगर फेसबुक यूज करते हैं तो सर्च बॉक्स में टोटल एग्जाम लिखें, सर्च करें, टोटल एग्जाम के नाम से फेसबुक पेज आएगा, जो लोगों आप यहाँ पर देख रहे हैं वही लोग वहां पर लगे हुए होंगे, उसे लाइक कर लें, क्योंकि वहां पे हर दिन बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वहां पर हम डालते हैं, वो चीज आपको आसानी से मिल जाएगा। और बहुत ही यकीनन मानिए 100% हम श्योर कह सकते हैं कि ये जो टोटल एग्जाम का फेसबुक पेज है ये आपके लिए बहुत वरदान साबित होगा। आप हालांकि नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर YouTube लिंक दिए हुए हैं, तो YouTube से आप देख ही रहे हैं, YouTube पर आप Twitter पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, टोटल एग्जाम के नाम से ही मैं Twitter पे हूँ, Facebook पर हूँ, YouTube पे हूँ, Google Plus पे हूँ, Instagram पर, हर जगह आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सब में से मैं बेस्ट मानता हूँ कि आप हमारे फेसबुक पेज में जो टोटल एग्जाम के नाम से फेसबुक पेज है उसे सर्च करके उसे लाइक कर लें, और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, और फीडबैक और अपनी राय वीडियो में जरूर दें कि क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए। हमारी टीम हार्ड वर्क कर रही है, हमारी टीम आपके लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भविष्य में जल्द ही लेकर आने वाले हैं, तो
मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको फिर दुरा के कि बेहतरीन लगा होगा। और अब दीजिए मुझे इजाजत, जल्द ही एक वीडियो के साथ फिर आप सभी के बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।